हेलो, मैं XYZ बैंक से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या बात है? आप काफी सालों से हमारे सम्मानित ग्राहक हैं, इसलिए हमारे बैंक ने आपके लिए एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट की है, जिसका प्रीमियम महज 10,000 रुपए महीना होगा। लेकिन मुझे तो ये पॉलिसी चाहिए ही नहीं, आपने बिना पूछे कैसे एक्टिवेट कर दी? ये तो सरासर गलत है। माफी चाहता हूँ सर, इसे मैं अभी डीएक्टिवेट कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी तुरंत डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है सर, इसे डीएक्टिवेट करने के लिए आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा, वो मुझे बता दीजिए और मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ। कोड मुझे क्यों आएगा भाई? सर क्योंकि अकाउंट आपका है तो कोड भी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा, एकदम सिंपल है सर। ठीक है, ऐसी बात है तो नोट करिए, कोड है 1 2 3 4। धन्यवाद सर, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है, आपको जल्द ही कंफर्मेशन की सूचना मोबाइल पर आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कुछ समय में ही विनोद को एक मैसेज आता है कि उसके खाते से 90,000 रुपए कट गए हैं। विनोद घबरा कर उसे कॉल करता है, लेकिन उस अनजान कॉलर का फोन तब तक स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसे कॉलर्स से अत्यंत सावधान रहिए, ये हर दिन अपना रूप बदलकर आपको ठगने की फिराक में है। ऐसे फोन आने पर या कभी भी अपना कार्ड नंबर, OTP, CVV, पासवर्ड अथवा पिन कभी भी शेयर न करें। देख रहे हो ना विनोद, कैसे कैसे तरीकों से ये बहरूपिये आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और उनकी मेहनत की जमा पूंजी को उड़ा ले जाते हैं। बहरूपिये की बातों में मत आइए, सतर्क रहने से जुड़ी बातों को खुद जानिए और सभी को बताइए।